सैलेड और इनकी ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स का इन्होंने बनाया है सैलेड। और हेलो गाइस, कैसे हैं? अभी ऑफिस में हैं और थोड़ा टाइम मिला था तो सोचा आप लोगों से बात की जाए। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मैं अभी ऑफिस में आया हूँ। टेरेस पे अच्छी सी हवा चल रही है, टेरेस पे थोड़ा खाना खाया था तो ब्रेक लिया है थोड़ा सा, महंगा चलो घूम लेते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग में स्पेशल कुछ नहीं है, यहाँ पर दो रैबिट्स घूम रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। रैबिट्स काफ़ी क्यूट रैबिट्स हैं। तो गाइस देखिए कितना क्यूट रैबिट है यहाँ, सो आप देख सकते हैं। आजा आजा आजा। सो एक यहाँ है, एक वहाँ खा रहा है वो। सो दो रैबिट हैं यहाँ। सो गाइस अभी ऑफिस से निकल रहे हैं, आज का दिन काफ़ी बिजी रहा तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं दामे दायरा क्या कर रही है। अभी मैं कर रहा हूँ सुमन की वेट, और सुमन है कि बाहर निकलने का नाम ले लिया। सुमन जल्दी आ जा, सुमन ऑलवेज कराती है लेट जाने में। सो गाइस घर पहुंच गए हैं अभी और अभी फटाफट करते हैं चेंज और उसके बाद आज आपके साथ है कुछ इंटरेस्टिंग टॉक, तो मिलते हैं चेंज करने के बाद। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं YouTube चैनल्स के ऊपर। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े शॉर्ट नोटिस में बड़े फास्ट ट्रैक पे ना वो कहते हैं कि ग्रो करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स अपना के। उनको लगता है कि आजकल दुनिया काफ़ी YouTube पे कंटेंट लेके आ रही है और वो कंटेंट एकदम से शॉर्टकट से हमारा कंटेंट इतना फेमस हो जाए कि लोग हमें वॉच करें। और ऑलवेज़ आप देखोगे कि YouTube पे जो सर्च बेस है वो सर्च बेस किस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा आ रहा है कि हाउ टू ग्रो YouTube चैनल्स, हाउ टू ग्रो, हाउ टू अर्न 1000 सब्सक्राइबर, हाउ टू अर्न 4000 वॉच टाइम। तो गाइज़ एक चीज़ बड़ा क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने भी एक चैनल स्टार्ट किया है तो कोई भी चीज़ है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस चीज़ को एक लेवल अचीव करने के लिए हमें उसको टाइम तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब तक हम उसको टाइम नहीं देंगे, हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम अपना कंटेंट के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, हम एक कंटेंट को बनाने के लिए कितने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसमें आपका पहले कंटेंट सिलेक्शन, नंबर टू कंटेंट को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं, एडिटिंग है, कोरियोग्राफी है, देन उसके पीछे जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं उसका टॉपिक है, देन उसके लिए उसको म्यूज़िक सिलेक्शन है, प्रेजेंटेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चैनल पे अपलोड होता है, चैनल आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सबको इश्यूज़ आते हैं, हम लोग स्लोली स्लोली रन करते हैं चीज़ों को, रन करते हैं तो सीखते हैं। एक चीज़ आज हमसे ठीक नहीं हो रही है, अगले दिन हम उसको ठीक करते हैं, तो स्लो 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 हम बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, सीखते हुए चलते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही सब्सक्राइबर भी हमारे को वॉच करते हैं, जब हमारा कंटेंट इम्प्रूव्ड वर्जन में आना शुरू होता है तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट बनता है, ऑडियंस बार बार रिपीटेड उसको देखती है, जब हम देखते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, शेयर होता है तो हमारा ऑडियंस काउंट बढ़ता जाता है। तो इट टेक्स टाइम, तो टाइम जब हम देंगे तभी वो चीज़ अच्छे से इम्प्रूव होगी, और जब इम्प्रूव होगी तो वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगी। तो गाइज डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द शॉर्टकट्स, आप बस अपना मेहनत करते जाइए, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप अपने कंटेंट पे वर्क कीजिए, आप एडिटिंग पे वर्क कीजिए, कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाइए, अपने चैनल में क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं आप बेस्ट करिए, चैनल को आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए SEO करिए, शेयरिंग करिए, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल्स में शेयर करिए, कंटेंट में इंटरेस्ट बनाइए, ऑडियंस को वापस लेके आना ही आपकी अचीवमेंट है। डजेंट मैटर कि आपका ऑडियंस काउंट कितना है, अगर ऑडियंस रिपीटेड आपके चैनल पे आ रही है तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइज अच्छा कंटेंट बनाइए, हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, मुझे लग रहा है कि मेरी बात चलो
मुझे तो समझ में आ गई अभी जब मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिकली इसको करना, आप लोगों को भी समझ में आएगी। तो ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखिए। अगर आपको हमारा चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहा है अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट्स भी करिए। जब तक तो कमेंट्स नहीं करेंगे हमें पता कैसे लगेगा। तो आपका भी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस बने रहिए, अभी हम व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी खाना खाने चलते हैं नीचे, देखते हैं दामे दायरा क्या कर रही है। मम्मा पापा घर आ चुके हैं और ये देखो डू क्या करी, क्या करी डू ये? फ्रूट सैलेड सिर्फ स्ट्रॉबेरी से? नहीं, तो ग्रेप्स भी आएंगे। सिर्फ ग्रेप्स? ग्रेप्स और मोर देन थिंग्स। क्या क्या नाम था? मुझे तो नहीं पता, पर जितने भी फ्रूट्स हैं सब जाएंगे इसमें घर पे। देखते हैं कितने फ्रूट्स हैं। तो एक भी फ्रूट नहीं है। फ्रिज में थे ये ब्लैक ग्रेप्स। पहले मैं कट कर दूँ स्ट्रॉबेरीज एंड लास्ट बिगेस्ट स्ट्रॉबेरी। और कुछ नहीं है? नथिंग एल्स, बट मुझे फ्रूट्स खाना है टुमारो, बिकॉज क्या कहूँ, कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि? मैंने व्रत रखा है तो मैं रखा नहीं रखेगी। यस, ये इसलिए रखते क्योंकि इसकी जो बेस्ट फ्रेंड्स है दो वो रखेंगी। बेस्ट फ्रेंड्स? यस। अच्छा हाँ, बेस्ट फ्रेंड है ना, बैंड दिया हुआ एक फ्रेंड ने, तो वो पहनना भी है ना, वो पहनना। हाँ ये रहा ग्रेप्स। धो रही है, कैसे धो रही है? मैंने इस थैली के अंदर पानी भरा, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कस के बांधी ताकि पानी ना निकले, बिल्कुल अच्छे से नॉट करा एंड गोल 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 गोल। अरे वॉश हो गए है ना? या तो हम इसको थोड़ा नहीं, इसको हम बिल्कुल हल्का सा खोल लेंगे और एक होल ढूंढेंगे। नीचे से गिर गए? नहीं गिरेंगे, जैसे कि मुझे मिल गया और निकाल दो, निकाल दो। तो अब मैं मेरे काम पे ध्यान दे दूं। अगर आपका ये पानी निकल गया तो आप इसको खोलेंगे एंड देन देखो आप ग्रेप्स धुल गए और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कट हो गई है। ये देखो कितने अच्छे से धुल गए एंड अब धुल जाएंगे हमारे लिए फ्रूट सैलेड। ये देखिए दायरा ने बनाए हैं फ्रूट सैलेड और ये देखिए ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स का इन्होंने बनाया है सैलेड और दायरा ने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने के लिए। दायरा कैसा लग रहा है खाने में? अब यम लग रहा है? मज़ा आ रहा है आपको खा के? बहुत टेस्टी है। तो ये कौन सा टाइम है फ्रूट सैलेड खाने का? ये तो मोहन दिन में खाते हैं, आप ये नाइट में खा रही हैं। इसका मार्केट में जाके चीज खाने का मन कर रहा था तो इसने सोचा कि मम्मा ने गुस्सा किया तो मैं जा नहीं सकती हूँ, फिर इसने इसलिए ये और कुछ सूझा नहीं से तो इसलिए फिर इसने ग्रेप्स और ये स्ट्रॉबेरी कट करके अपना फ्रूट चाट बनाया। और कल भी मैं यही खाती रहूँगी सारा। कल दायरा ने फास्ट रखा है, देखते हैं ये सारा दिन कैसे भूखी रहेगी और देखते हैं कल ये क्या क्या खाएगी सारा दिन में। किस किसने फास्ट रखा है कल? कल मैंने और डुगू ने रखा है बस घर में। दामे ने रखा नहीं? क्यों दामिया? अमीर से निरा जाता भूखा और मैं मुझसे भूखा निरा जाता। मेरे टू फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रखा, तभी डुगू ने रखा है। बट डुगू हर बार रखती है फिर हम बाद में जाके इसको वो कर देते हैं कि खा सकते हैं, ये चीज भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी। और इसमें उसका व्रत टूट जाता है। मम्मी ने एक बार तो व्रत में मैगी खिला दी। एक बार मैंने इसको मैगी खिला दी थी जब इसको भूख लगी हुई थी। मैंने पूछा मम्मी से कि मैगी खा सकते हैं तो मैंने यही बोला कि हाँ उनको मैगी खा सकते हैं। मैंने फिर पूछा तो खा ले, मम्मा ने बोला जो नमकीन नमकीन चीजें सब खा सकते हैं। फिर इसने चिप्स भी खाए थे, इसने सब कुछ नमकीन रखी थी, आलू भुजिया वो भी खा ली थी, सब खा लिया था इसने। मेरी सीरत है फ्रेंड, वो उसने करवा चौथ पर व्रत रखा और कहती मैंने व्रत रखा है और उसके यहाँ पे सॉस लगी हुई पकौड़े खा के आई थी वो।
चलो गाइज, अभी खाना खा लिया, डिनर हो गया है और दम में दायरा खा रही है फ्रूट सैलेड, और सुमन भी दूध पी के अभी खट्टे चीज खा रही है। तो हम चलते हैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, ऑल दो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडे वाली, फिर भी घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर से नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इंजॉय करिए।